उपमंडल अधिकारी नागरिक सोनू राम ने कहा कि प्रशासन में सरकार की जनता के साथ एक सांझ है, जिसके लिए मीडिया मध्यस्थता का कार्य करता है। मीडिया एक ऐसा मीडियम है जो जनता की समस्याओं को सरकार में प्रशासन से अवगत करवाता है। पत्रकार समाज का आईना है। समाज अथवा आसपास के क्षेत्रों में जो भी हो रहा है उसे लोगों के समक्ष लाने के लिए मीडिया का सर्वोत्तम रोल है। एसडीएम सोनूराम किसान रेस्ट हाउस में आयोजित एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। एसडीएम सोनूराम ने पत्रकारों से शहर के विकास के लिए कई सुझाव मांगे तथा पत्रकारों के विभिन्न प्रश्नों के जवाब भी दिए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए एसडीएम ने पत्रकारों से पिहोवा शहर के विकास में अपना अहम योगदान देने बारे भी अपील की तथा शहर की मुख्य समस्याओं जैसे गौशाला के लिए स्थान निर्धारित करना, पिहोवा अम्बाला ड्रेन पुल के नवनिर्माण बारे, ट्रैफिक, आवारा पशुओं, शहर की गलियों व सड़कों की मरम्मत तथा मेन बाजार में गलत पार्किंग की वजह से होने वाली भीड़ तथा दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण हटाने सहित कई मुख्य समस्याओं के बारे में विचार विमर्श किया। इस अवसर पर उन्होंने पत्रकारों से कई सुझाव भी मांगे। इस मौके पर नायब तहसीलदार सुरेश कुमार भी उपस्थित थे। एक मीटिंग आज पत्रकार बंधुओं के साथ रखी गई थी, अपील की गई थी सभी पत्रकार बंधुओं से कि इसमें शामिल हों और काफ़ी साथी इसमें हमारे साथ शामिल भी हुए। पर्पस यही था कि जनता के बीच में रहते हैं हर समय पत्रकार और उन्हें कई तरह की समस्याओं का पता होता है। लोग जिस व्यवस्था में अगर दुरुस्ती की ज़रूरत है कहीं पर या कहीं अच्छी मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है तो उनको उन सब चीज़ों का पता होता है। तो हम अपने रूटीन के कामों में जो है कई बार नज़रअंदाज कर देते हैं उन चीज़ों को जो सामने होती हैं, तो वो सब चीज़ें सामने आ जाएं जिससे जनता में ज़्यादा परेशानी है और उनको रिजॉल्व करने के लिए काम किए जा सके। कुछ समस्याएं ऐसी भी होती हैं जिनका प्रशासनिक रूप से जो है हल नहीं निकलता, उसमें समाज के सहयोग की या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के सहयोग की ज़रूरत होती है। तो किस पर्पस यही था इस वार्ता का कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों की जो मुख्य समस्याएं उनको सुना जाए और उनकी तरफ बेहतरी का प्रयास किया जाए। ठीक है, खबरनामा हरियाणा के लिए पिहोवा से संदीप मलिक की रिपोर्ट।